बिग बॉस के एक और हैंडसम हंक का नाम सामने तो आ ही गया है, लेकिन अब उनकी पर्सनालिटी भी आपके सामने आने वाली है। जी हाँ, आखिर बिग बॉस में किस तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है और बिग बॉस की सारी स्ट्रैटेजी उन्होंने सबके सामने खोल कर रख दी है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है ये एक्टर और कौन है ये हैंडसम हंक। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। आप सभी को बता दें कि इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पर आउट हुआ है, बिग बॉस ने इस वीडियो को शेयर किया है और इसको शेयर करते हुए बिग बॉस कहते हैं कि भाई रेडी हो जाइए, यू नो धमाका तो होने वाला है। हमारे ये बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो बड़े शाने हैं, उन्हें पता है कि वो बिग बॉस में जा रहे हैं, हमें पता है कि वो बिग बॉस में जा रहे हैं, तो इसीलिए पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। ऐसे में इस शख्स की मैं बात कर रही हूं, आपको चलिए लुक जो है वो दिखा देते हैं। जी हाँ, इस शख्स की मैं बात कर रही हूं, इनको आपने इस मुखौटे में देखा और कई सारे लोगों ने गेस किया। कुछ लोगों ने कहा कि अरिजीत तनेजा है, कुछ लोगों ने कहा कि ये गौतम विग है। मैक्सिमम लोगों को आवाज अब सुना रही हूं मैं और अब आपको गेस करना है, हालांकि मैं समझ गई हूं ये कौन है। चलिए आपको दिखाते हैं इनका वीडियो, इनके स्ट्रैटेजी बिग बॉस में जाने की क्या है वो आपको बताते हैं। हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, दैट्स ट्रू। कि बिग बॉस एक ऐसी जगह है जो आपको रियल दिखाती है, बिकॉज़ हम जस्ट जब इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम फैशन करते हैं, एक्टिंग करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप वो ही पोर्ट्रे करते हो जो आपको कैरेक्टर दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा मिस करूंगा आई थिंक वो मेरे माँ बाप हैं, क्योंकि आई एम वेरी क्लोज टू देम। मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और मैंने आज तक कभी कोई स्ट्रैटेजी यूज ही नहीं की, आई थिंक इसलिए मैं शायद यहाँ तक पहुंचा। तो मैं हूँ जो इंसान गो विद द फ्लो होता है, कि जो जैसा आ रहा है, जैसे चल रहा है, उसे वैसे देखेंगे। अंदर जाके डाइट क्या फॉलो होगी ये तो मुझे पता नहीं, आई थिंक डिपेंड करता है कौन सी लड़की से हमारी अच्छी बातचीत हो जाती है और कौन खाना बनाने में अच्छी है, तो उससे ज्यादा इंट्रैक्शन होगी हमारी, ताकि वो जो प्याज बना के खिला देगी तो वो हम खा लेंगे। तो देखा आपने, आई पर्सनली थिंक एंड बिलीव कि ये गौतम है और गौतम को आपने कई टेलीविजन सीरियल्स में देखा है, बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही जेंटलमैन है। और जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं कि मैं तो कोई स्ट्रैटेजी के साथ बिग बॉस के घर में नहीं जा रहा हूँ, हर कोई जाने से पहले ये कहता है कि मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि इस बार बिग बॉस के कोई रूल्स नहीं है, जो भी होगा वो ऑन द स्पॉट होगा और अनप्रिडिक्टेबल होगा। तो भाई बिग बॉस के इस न्यू कंटेस्टेंट को लेकर क्या कहेंगे आप, इनकी पर्सनैलिटी आपको कैसी लगी बताइएगा।